तो बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे एन प्लस एल रूल, ठीक है ना, एंड अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल सीख गए थे बेटा लो एनर्जी ऑर्बिट में, सॉरी ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, लो एनर्जी सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा देन हाई एनर्जी, तो उसमें कुछ दिक्कतें हो गई का एक तो ऐसे मॉडिफिकेशन किया गया एन प्लस एल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं लो वैल्यू वाला एन प्लस एल सबसे पहले फिल होगा देन उससे हाई वाला। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हुआ तो डिपेंड किस पे करेगा, n वैल्यू पर। तो कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर का क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या था बेटा, नियॉन, आर्गन, ठीक है। उसके बाद क्या था बेटा, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इस रोडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सर हाँ बेटा, सर आप राइट से क्यों लेफ्ट से क्यों लिखते हो सर, राइट से क्यों नहीं लिखते सर, सोचो। नहीं पता इसलिए पूछा, कला नहीं बेटा इसलिए करते हैं, इधर से अगर इधर से नोट करें ना, इधर नोट करने जाएंगे तो ये छुप जाता है हमेशा, फिर दिक्कत होता है स्टूडेंट को नोट करते समय। सर इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी इसलिए। नहीं देखो अगर मैं इधर नोट किया, अब इधर समझा दिया, कुछ मुझे एक्स्ट्रा बताना है अगर तो इधर मैं नोट करूंगा तो ये अलग नहीं दिखता ना नोट करते समय। अब इधर नोट कर दिया तो लोग नोट कर रहे हो, इधर मैं कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट भी कर सकता हूँ तो लोग उधर नोट भी कर सकते, इधर देख भी सकते हो इसलिए। ओके सर, नहीं तो मुझे वेट करना पड़ेगा, इधर मैंने एक्सप्लेन किया है, जब तक तुम्हारे इधर नोट नहीं होता तब तक मैं इधर नोट नहीं करवा सकता। तो सब टीचर का अपना अपना रहता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चा लोग, तो हाइड्रोजन का आया होगा 1s1, 1s2, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2। किसी ने कहीं से चेक तो नहीं किया था ना बेटा, मतलब आंसर कहीं से देखा तो गूगल वूगल तो नहीं किया था ना बेटा, नो सर, रिफ्रेशर उठा के। हाँ ठीक है, वो तो अभी पता चल जाएगा। One S two, two S two, two P six, three S two, three P one, one S two, two S two, two P six, three S two, three P four, one S two, two S two, two P six, three S two, three P five, one S two, two S two, two P six, three S two, three P six, four S one.
ठीक है ना, यहाँ 4s2 यहाँ तक सबका सेम रहेगा बेटा। फोरेस्टू यहाँ पे 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। क्लियर है बच्चा लोग? यही आया है सबका, देखो सब ने यही बनाया है। चलो किसी का अलग पक्का सब ने यही बनाया। सर सर जहाँ, हाँ बेटा मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया। कहाँ पर? नियॉन के बाद से मुझे नहीं आ रहा था। क्यों नियॉन के बाद से क्यों नहीं आ रहा था बेटा? अब टूपी तक इलेक्ट्रॉन फेल हो गया तो आगे किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? वन एस है, वन एस का 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, यही तो यूज करना था ना सर। वो 1s वाली सीरीज याद थी, लेकिन आपने किसी बुक और ये सब से चेक करने को नहीं बोला था, और मुझे नियॉन के आगे की एटॉमिक नंबर और ये सब थोड़ा सा। नहीं एटॉमिक नंबर देख सकते थे, ठीक है ना, इसके लिए थोड़े था, मैंने बस ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए बोला था। तो चलो पीरियोडिक टेबल सबको मालूम है, याद कर लिया पीरियोडिक टेबल सबको ही? याद किया बस? चलो पीरियोडिक टेबल तो देखो लास्ट वाला, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन से कुछ हेल्प मिलेगा। यहाँ पे क्या है बेटा? एस, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? एस में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एस में। तो बेटा ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है, हेलियम भी एस ब्लॉक में है। एस में 1 इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक 1, एस में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो एस ब्लॉक 2 का एलिमेंट है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया है ना, एटॉमिक नंबर पे बेस, और एटॉमिक नंबर से क्या फाइंड आउट किया गया बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एलिमेंट को अरेंज किया गया वहां पर, ठीक है ना बच्चा लोग? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएंगे वही ब्लॉक होगा उस एलिमेंट का। तो पी में गए तो ये सभी पी ब्लॉक वाले, बेरिलियम, बेरिलियम मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बेटा? पी में। इसको कौन से ब्लॉक में रखा गया? पी में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सब में डी में इलेक्ट्रॉन गया है, तो उसको कौन सा ब्लॉक बोला गया बेटा? डी ब्लॉक, ठीक है ना। तो कौन से एलिमेंट को कौन से ब्लॉक में रखा गया ये किससे पता चला बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किसके बेसिस पर अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर, इनडायरेक्टली बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो सबका क्रोमियम में इनकरेक्ट मतलब करेक्शन होगा, क्रोमियम कॉपर में ये नहीं होगा यहाँ पे, yes, ना। इसका जगह क्या होगा? 4s1, 3d5, तो बेटा ये कितने लोगों ने सही किया था सर? लेकिन ऐसा क्यों? रुको तो, पहले कितने लोगों ने सही किया था बेटा ये पहले बताओ।
हाँ, किसी ने नहीं किया मतलब किसी ने बुक नहीं देखा, अगर किया होगा तो बुक देख लिए होंगे, उनका आंसर ही पता होगा। सर बुक देखा था पर कंफ्यूजन की वजह से, मुझे लगा पहले पूछना चाहिए घर से। ठीक है ना, बुक में ये मिलेगा, इसके लिए देखते हैं। ठीक है ना, तो नोट कर लिए सब, कोई कट नहीं करेगा बेटा, जिन्होंने ये किया है ना उसको यहाँ पे करेक्शन नहीं करना, वहां पे 4:2 कर दें, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं 5:1, कुछ नहीं, जैसा गलत है तो गलत रहने दो, बस यहाँ पे ऐसे सर्व करो, यहाँ पे नोट करो इट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इट इज रॉन्ग, क्लियर है। चलो कोई काट के उसको हटाएगा नहीं वहां से, क्यों करेक्ट नहीं है बताते हैं अब। ठीक है बच्चा लोग, तो क्रोमियम और कॉपर का इनकरेक्ट है तो नोट कर लेना, नोट करके ही क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स सबसेल्स आर मोर स्टेबल, सबसेल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। तो क्रोमियम एंड कॉपर सोर्स एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना बेटा, बिकॉज हाफ फिल एंड फुल फिल सबसेल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिक इफेक्ट। सिमेट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है बेटा, ऑर्बिटल या तो हाफ फिल होना चाहिए या फिर फुल फिल, कहने का मतलब है हमारा ऑर्बिटल नहीं सबसेल। सबसेल कौन कौन सा बच्चा लोग बताओ तो हमें, एस पी डी एफ, ये हमारे सबसेल है बच्चा लोग। इनमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा, वन, पी में कितने होते हैं बेटा, थ्री, पी थ्री, थ्री फोर फाइव, एफ में वन टू थ्री फोर फाइव सेवन, ये मिट्ठू महाराज भी ना बड़ा परेशान करते हैं। हाफ फिल्ड और उसके बाद फुल फिल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। हाँ तो बेटा एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, टू, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से फुल फिल्ड होगा बेटा, ये टू से, ये सिक्स, सिक्स से, ये वाला टेन, और लास्ट वाला फोर्टीन। तो हाफ फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन से होगा बेटा, वन थ्री, वन थ्री फाइव सेवन, ठीक है ना बेटा। तो इस समय जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इस समय जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, ऑर्बिटल बोलूंगा सबसेल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, जब हाफ फिल रहे हैं या फिर फुल फिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है बेटा, एक घर में तीन लोग हैं, ठीक है ना, कितने बच्चे हैं एक घर में, तीन, ठीक है, अच्छा लगता है ये डायग्राम बनाने, पता नहीं था बचपन में ये डायग्राम सीखकर इतना काम आएगा। ये तीन बच्चे हैं, ठीक है ना बेटा, पी की बात कर रहे हैं, पी सबसेल है मतलब पी वाला घर है, पी सबसेल का उसके अंदर तीन ऑर्बिटल है मतलब तीन बच्चे हैं, ठीक है ना, सबको मैं 10-10 रुपये दे दूं, ठीक है ना, चलो एक एक इलेक्ट्रॉन देने की बात करते हैं, एक एक लाख दे देता हूँ, ठीक है, अब 1 रुपये बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो तीनों खुश रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे बेटा,
लेकिन मैं किसी को दो दे दू, किसी को एक दे दू और किसी को कुछ दो ना, तो ये रोने लग जाएगा ना, बोलेंगे मेरे साथ तो भेदभाव हो रहा है, ये तो अन्याय है। तो बहुत सारी बातें इसके मन में चलेंगे, मेरे को तो सड़क से उठा के लेके आया, नहीं बाजू में कचरे का डब्बा पड़ा वहां से उठा के लेके आया, इसीलिए मुझे नहीं दे रहे। ये बोलेगा मुझे तुम दे ही नहीं रहे, सब इसी को दे दे रहे हैं, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। हाँ, तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सोचना है। तीन इलेक्ट्रॉन है तो सबको पहले सिंगल सिंगल दो, तो ये खुश रहेगा पी ऑर्बिटल, मतलब इनमें झगड़ा नहीं होगा ऑर्बिटल्स में, पी सबसे रहेगा खुश ताकि तीनों ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। सिक्स इलेक्ट्रॉन आया तो सबको दो दो कर दो, तो भी खुश रहेगा। वैसे डी की बात, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गया, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, सबके सब खुश, सबको दो दो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो भी खुश। वैसे ही एफ में भी होगा, समझ में आया बच्चा लोग? ठीक है ना। तो अगर और सबसे हाफ फिल रहते हैं या फिर फुल फिल, रिपीट कर रहा हूं, अगर सबसे हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड, तो उनका स्टेबिलिटी क्या होता है? हाई। दिमाग में बैठा लिया बच्चा लोग? तो इसी कार्बन ले सकते हैं बेटा, रुको ना बच्चा, अभी बता रहे ना, अभी समझो। तो अगर ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, तो उनका स्टेबिलिटी क्या होता है बेटा? हाई। ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है सिमेट्री इफेक्ट। सिमेट्री मतलब क्या हुआ बेटा? एक जैसा सबको ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन सब में एक जैसा ही फिल किया गया, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। क्लियर है बच्चा लोग? तब देखो क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। पहले क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, तो तुमने जो बनाया हो गया, अगर बुक नहीं देखा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यही है बच्चा लोग। तो यहां तक तो पूरे फुल फिल्ड है। ये लास्ट वाले में देखो बेटा, यहां पे एस में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो देखो बेटा, सबको एक एक लाख रुपए दे दिए, मतलब 1 लाख। ये लास्ट वाले को कुछ मिला क्या? झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा? मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? इसको मत दो, मुझे दे दो वो इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा नहीं मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सिमेट्री तरीके से फेल हुआ है क्या? नहीं ना। इन ऑर्बिटल के बीच झगड़ा स्टार्ट, झगड़ा हुआ तो स्टेबिलिटी कम होगा। कभी लड़ाई से किसी का फायदा हुआ है बच्चा? नो सर। तो एस वाला बोलता है, अरे यार क्या लड़ते हो, रुको रुको, मैं डी को एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। देखो एस भी हाफ फेल हो गया, ये भी हाफ फेल, दोनों स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए बच्चा लोग? लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। एस ने थोड़ा सा बड़प्पन दिखा दिया, हटा यार मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन लड़ो मत। ठीक है ना बच्चा लोग? तो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी बढ़ गया। वैसे किसमें बच्चा लोग? कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग? 2। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग? 1 2 3 4 5। तो देखो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल झगड़ा करेगा, कौन से सबसेल का ऑर्बिटल, बताओ तो बच्चा लोग। सर 3d का। 3d का बोलेगा सबको दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जाओ मैं नहीं खेलूंगा, ऐसे ही बोलेगा ना बच्चा लोग? बोलेगा नाराज जाएगा। अब नाराज जाएगा तो यहाँ पे बड़प्पन कौन दिखाएगा? बोलेगा अल्ले अल्ले मेरा डी ऑर्बिटल, नहीं रोते नहीं झगड़ा करते, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अब खुश हो गया। अब ज्यादा नौटंकी करेगा तो लगाएगा एक चमार किसके। तो एस ने एक इलेक्ट्रॉन डी को दे दिया, तो उससे क्या होगा बेटा? अब डी में जो झगड़ा हो रहा था वो कम हो जाएगा, सबको दो दो इलेक्ट्रॉन बटा, सब खुश।
एस को एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फिल्ड हो गया स्टेबल, ये फुल फिल्ड हो गया स्टेबल। तो याद रखना क्रोमियम और कॉपर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, क्योंकि उनमें क्या मिल जाता है बेटा, सिमेट्री इफेक्ट। सिमेट्री इफेक्ट मतलब क्या है बेटा, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, ये लाइन याद रखना, क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज हाफ फिल एंड फुल फिल सबसेल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। सिमेट्री इफेक्ट का मतलब ही होता है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इसके बाद ये टेबल बना देना, इसका क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर देना, ठीक है ना मैं। चलो, और कार्बन में हाफ फिल्ड नहीं आता, ठीक है ना, नाइट्रोजन में आता फॉस्फोरस में। तो ये देखो हाफ फिल्ड वाला एग्जाम्पल और ये फुल फिल्ड वाला। क्लियर है बच्चा? तो बोर्ड एग्जाम में मतलब 11th के टेस्ट में अगर ये चैप्टर आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्कूल के एग्जाम में आ रहा है, तो टीचर फिक्स है बेटा इसका क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो देते ही है, बरसों से चला आ रहा है टीचर का फेवरेट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है सर? हाँ बेटा, कार्बन 12 को स्टेबल माना जाता है क्योंकि अब वो सब अभी नहीं पढ़ रहे ना बेटा, ठीक है ना, ये नोट करो, वो सब के लिए पूरा एक चैप्टर है रेडियोएक्टिव डीके, ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे। नोट करो, छापो जल्दी से, जितनी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ना, जैसे कार्बन 12 नहीं है रेडियोएक्टिव लेकिन कार्बन 14 है, तो क्या होता है बेटा इनमें से बहुत सारे रेस निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा, जिनसे भी ये रेस निकलते रहते हैं मतलब वो अनस्टेबल होते हैं। रेस इसलिए निकालते हैं ताकि स्टेबल हो जाए। तो ये पूरा चैप्टर बना हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके पहले था, अब सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत बताया जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिजिक्स में पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है ना बच्चा लोग, छापो जल्दी से। तो ये था अबाव प्रिंसिपल, इसमें एक्सेप्शनल। क्लियर है सभी को? कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बबुआ लोग हमारे? नो सर। नो सर। सोचो अगर एटम इसी तरह से झगड़ा करते हम लोग को दिखाई देता तब तो तुम बड़े खुश होते ना, सब समझ में आ जाता क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन करना चाहिए ना बेटा। सर तब तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से सबको समझ में आता, क्योंकि सब चीज आंखों के सामने हो रही होती। हाँ, और हम लोग फिर जज बन के बैठे रहते हैं ना, ए तुम गलत हो, ऐसा नहीं करना, चलो एस इस पे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा बोलते हैं ना एस के देने से पहले। आप ले बच्चा लो। यस सर। यस यस सर। तो नेक्स्ट जो लॉ है वो कौन सा है बेटा, हुन्स रूल या हुन्स लॉ? तो सबसेल कैसे होना चाहिए बेटा, हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड, ठीक है ना, मतलब सबसेल में इलेक्ट्रॉन या तो हाफ फिल्ड जाना चाहिए या फुल फिल्ड जाना चाहिए, तो स्टेबल होते हैं। ऐसा क्रोमियम के लिए कहा गया, ऐसा कॉपर के लिए कहा गया। बट जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, पीरियोडिसिटी में तो नहीं मिलेगा, जब 12th में जाएंगे ना वहां पर देखो ऐसा कुछ मानते ही नहीं है, कई कई लोग इससे भी खतरनाक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं।
लेकिन उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। एक्सेप्शनल कहने का मतलब ही क्या होता है बेटा, अपने मन को बहलाने के लिए रीजन बना दिया जाता है, ठीक है ना, हाँ चलो ऐसा कुछ होता होगा करके, क्लियर बेटा। तो ऐसा अगर होता तो सबको यही शो करना चाहिए था, बट कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे लाइफ में एक रूल्स बना हुआ है बेटा, सबको इसी तरह से काम करना है, कुछ लोग किए तो ठीक है, नहीं माने तो ये समाज से बाहर करो इसको, ऐसे बोल देते हैं ना बेटा। तो बस ऐसे यहाँ पे भी होता है। तो फिलहाल मुद्दे पे आते हैं, फोन्स रोल सेकेंड जो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, फोन्स रोल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना, शॉर्ट में होम्स रूल बोल देते हैं। तो बेटा अबाव प्रिंसिपल क्या बताता है एक बार फिर से बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये बताता है, ठीक है ना, यही बताता है ना अबाव। तो पहले गरीबों का कल्याण करना है, उसके बाद अमीरों का कल्याण करना है, ये अबाव प्रिंसिपल बताता है। फोन्स रूल क्या बताता है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है वो बताएगा, ठीक है ना बच्चे। चलो पहले समझ लेते हैं हमारे पास सबसेल कौन कौन से बेटा। हेलो बेटा, हाँ एस पी डी एफ, सबसेल है एस पी डी एफ, ठीक है। तो एस सबसेल में, ए सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, मतलब कितने बॉक्स, थ्री। डी में कितने, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। और एफ में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो सबसे लिए हैं और इनके ऑर्बिटल्स, इतना तो दिमाग में बैठ गया बहुत पहले से ही, ठीक है बच्चा लोग। अब मान लेते हैं, मान लेते क्या कौनसोल कहता है, क्या दिमाग में बैठा लो, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, गया तो है डी में फाइव इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिल कैसे किया जाए। इलेक्ट्रॉन के लिए ये सिंबल यूज होता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज घूमे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना ऑर्बिटल में, तो क्लॉकवाइज घूमे तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। एक जगह बताएंगे भी क्वांटम नंबर में यही चीजें बताएंगे, क्लॉकवाइज घूम रहा तब। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डाउन एरो, ऐसे हाफ एरो वाला। स्पिन क्वांटम नंबर में यही बताऊंगा, ठीक है ना बच्चा लोग। तो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा सिंबल यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है वो देखना हमको। एस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक लिख दिया। पी में देखो, पी में अगर इलेक्ट्रॉन थ्री है, पी में इलेक्ट्रॉन कैसे है थ्री, तो कैसे फिल करोगे बेटा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, सेकेंड यहाँ, थर्ड, ठीक है ना बेटा। या फिर कैसे फिल कर सकते हो बेटा, यही सीक्वेंस को थ्री इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बॉक्स करके ये बना रहा हूँ। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया जा सकता है, ऐसे फिल कर सकते हैं, और रेंडमली कुछ भी, ऊपर नीचे अप एरो डाउन एरो कुछ भी, ऊपर कर दिया इसको, नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, और जो भी पॉसिबिलिटी है देख लेंगे, लेकिन इनमें से कुछ सही होगा कुछ रॉन्ग होगा। एक और बना ही लेते हैं, तो इस तरह से बेटा आप कैसे फिल करते हैं, सिंगल डबल ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं,
तो इस तरह से बहुत से पॉसिबिलिटी बन सकते हैं ना अगर एफ पी में तीन इलेक्ट्रॉन है तब। क्लियर है बच्चा लोग? तो इनमें से कौन सा पैटर्न सही होगा ये बताता है हॉन्स रूल। इनमें से कौन सा पैटर्न सही होगा ये कौन बताता है बेटा? हॉन्स रूल। तो फर्स्ट पैटर्न सही है कि सेकंड है, थर्ड है, फोर है, फाइव है, ये कौन बताएगा बेटा? हॉन्स रूल। ठीक है ना, तो हॉन्स रूल फिलिंग मतलब फिल करने का सिक्वेंस बताएगा इलेक्ट्रॉन को। अब हॉन्स रूल को समझने से पहले, इनमें से कौन सही होगा कौन सा गलत होगा उसको समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है ना, मेहमान बन के किसी के घर गए हो, ठीक है, तीन लोग गए आपके घर से, उस घर में तीन बेड हैं, ठीक है बेटा, कि या कहीं घूमने गए वहां पे तीन बेड हैं, ठीक है, इस घर के अंदर मतलब पी वाला सबसे लगा हुआ है, तो तीन बच्चे गए, तो तीनों बच्चे क्या होंगे बेटा उस बेड पे? सोने के लिए बोला गया, तो क्या करेंगे सब? किस पैटर्न में सोना ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब सटीक लगेगा? कोई इधर सर रख के सो रहा है तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एक जैसा सर रख के सोएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर कोई इधर मुख सर कर लिया तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बोलो। तीन बेड है घर पे, मेहमान बन के गए हैं, कोई एक इधर सर रख रहा है, कोई इधर रख रहा है, कोई उधर रख रहा है, तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, या सब एक तरफ सर रख के सोएंगे? सब एक तरफ। मतलब एक थोड़ा सा अरेंजमेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा बेटा, तो अच्छा लगेगा ना, बोलेंगे अरे हाँ क्या अच्छे बच्चे हैं, देखो कितना मैं सोए ना भी, अगर सोने का भी काम करे तो कितना वेल मैनर के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो बस यही है पी, जो हॉन्स रूल है, इलेक्ट्रॉन कैसे फील किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को सुलाना है, कैसे सुलाया जाए, सोने का तरीका बताता है इलेक्ट्रॉन कैसे सोएगा। तो कैसे सो करेगा बेटा? पहले तीन बेड है, तीन लोग गए, तो पहले सभी बेड पे सिंगल सिंगल जाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो चार थे, एक को पर्सन बढ़ गया, तब अब जाहिर सी बात है किसी एक बेड पे तो डबल होगा, पहले तीन लोग गए, इन्होंने सिंगल सिंगल जगह ले लिया। अब देखो बेटा चौथा गया तो क्या करेगा बेटा? या तो इस तरह से फील हो सकता है, या फिर एक दूसरे के अपोजिट। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? कहीं ना तो डबलिंग होगा ना, और ट्रिपलिंग होता नहीं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो हॉन्स रूल क्या बताता है बेटा? इलेक्ट्रॉन कैसे सोएगा सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उस पे। तो पी में एक लोग गया तो कोई दिक्कत है नहीं बेटा, घर में कितने बेड? तीन। टू इलेक्ट्रॉन गया पी में तो कितने बेड है बेटा? थ्री है पी में बने हुए। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितने सब सेल है, सब सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल है? थ्री। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है ये बताता है हॉन्स रूल। तो एक बंदा गया सुला दिया, दो बंदा गया एक एक बेड, तीन बंदे गए, क्लियर है? ठीक है ना, तीनों एक जैसे ही सर रख के सोएंगे बेटा। चौथा गया, अब बेटा कहीं पे जगह है नहीं तो जाहिर सी बात है डबलिंग होगा। पांचवा नंबर का गया बंदा, डबलिंग होगा। तो समझ में आ रहा है ना किस तरह से सुलाना है? अगर ये जा रहा, अगर ऐसे सो गया तो ये सोने का पैटर्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना बेटा? क्यों गलत हुआ बताओ? सर वो प्रॉपर लाइन में नहीं है। हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, कोई ऊपर सर रख के सो रहा है, कोई नीचे सर रख के सो रहा है, मजाक से रख देंगे खींच के अच्छा पर, ऐसा वहां का मेहमान जिसके घर में मेहमान गए के तौर पर तुम लोग गए हो गए, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, बट समझने के लिए। समझ में आया बच्चा लोग? तो अबाव रूल क्या बताता है? गरीबों का कल्याण कैसे किया जाए। और हॉन्स रूल क्या बताता है बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन मेहमान बन के आए तो उनको सुलाना कैसे है सबसेल के अंदर वो। तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा सबसेल के अंदर? सिंगल सिंगल जाएंगे या डबल डबल जाएंगे? सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रॉन सबसेल में क्या होंगे? सिंगल सिंगल फिल्ड होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? डबलिंग होगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर सब क्लॉकवाइज हैं तो सबके सब क्लॉकवाइज फिल्ड होंगे, तो इसके लिए टर्म्स यूज होगा पेलर स्पिन। क्या बोलेंगे बेटा उसके लिए कौन सा टर्म्स यूज करेंगे? पेलर स्पिन, ठीक है ना। मतलब सबके सब एक जैसे डायरेक्शन में होंगे, या तो क्लॉकवाइज या के सब
एंटी क्लॉकवाइज। तो हम सब क्लियर है बच्चा लोग? अकॉर्डिंग टू इट हम सब क्या कहते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पहले कैसे फिल होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्टली फिल्ड एट द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इट एट द टाइम ऑफ distribution of an electron in subshell, then electron firstly fail in subshell, first of all singly in subshell with parallel spin, then pairing of electrons, pairing of electrons occurs at the time distribution of an electron in subshell, then electron firstly filled singly in subshell with parallel spin, ठीक है ना। Then pairing of electron occurs, या ऐसे को बोल सकते हैं बेटा, the pairing of electron, the pairing of an electron, electrons does not occurs until each orbitals of subshell, until each orbitals of subshell, pairing of electron does not occur until each orbital subshell contain, subshell to contain, contain at least one electron in each orbital, in each orbital with parallel spin, in each orbital with parallel spin। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक हर एक ऑर्बिटल में क्या ना हो जाए बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और वो भी विथ पैरेलल स्पिन। या फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फिल करना है, बाद में इलेक्ट्रॉन का क्या करवाना है बेटा, पेयरिंग। डेट मीन्स तो P में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग, कितने इलेक्ट्रॉन है? हेलो बच्चा लोग, आवाज मिल रहा है हमारा? यस सर। यस सर। P में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6, समझने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ सही बना रहे पैटर्न, कुछ रॉन्ग। मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, चलो बना ही लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है बेटा? सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल हुए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट। तो नंबर कर लेता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, ये नंबर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन,
फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फाइव इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन, या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चा लोग? इस तरह से फिल कर सकते हैं, ऐसे ही फिल कर सकते हैं, ऐसे भी। लेकिन अगर मैं फिल कर दू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो क्या ये करेक्ट होगा बच्चा लोग? नो सर, फर्स्ट सीरीज ही करेक्ट है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों करेक्ट है बेटा। ये कैसा बेटा? इनकरेक्ट, हुंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हुंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्लियर है बच्चा लोग? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है फर्स्ट सीरीज में, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाके कभी ऐसा टक्कर वक्कर नहीं खाते? खाते होंगे। अच्छा अगर टक्कर खाते हैं तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज चीज टकराती है तो जिसके पास लो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी एनर्जी खींच के आगे भाग जाता है। तो यहाँ पे सेम ऑर्बिट में है, सेम घर में है, तो सबके पास एनर्जी सेम रहता है। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, तनिक छापो जल्दी से। सर फोर्थ वाला इनकरेक्ट क्यों हुआ? ये लो बच्चा, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पहले हुआ कि बाद में हुआ? छह इलेक्ट्रॉन है बेटा, फर्स्ट सेकेंड यही भेज दे रहा हूँ, पेयरिंग हो गया है। पेयर मतलब दो ना, तो हमने क्या बोला पेयरिंग कब होगा? दो लोग आए तो पहले दो लोग सिंगल सिंगल बेड पे सोएंगे ना बेटा। घर में तीन बेड पड़ा हुआ है तो पहले से दो लोग आए तो डबल थोड़ी हो जाएंगे, पहले सिंगल सिंगल जाएंगे फिर उसके बाद डबल होगा। तो जब तक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं हो जाता, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर्स अंटिल ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेट, इच ऑर्बिटल ऑफ सबसेट टू कंटेन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन। मतलब हर एक ऑर्बिटल में कितना होना चाहिए सबसेल के? एक एक इलेक्ट्रॉन, तब जाके पेयरिंग होता है। ठीक है ना? पेयरिंग हमने पहले ही करवा दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, तो रॉन्ग है ये। ठीक है? ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सीक्वेंस देखो ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड एक एक गया तब जाके पेयरिंग हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तब जाके पेयरिंग हुआ, और सबका स्पिन सेम है। पहला क्लॉकवाइज है तो सब क्लॉकवाइज, सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज है तो सब एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एक और बना लेता हूँ, फर्स्ट जैसा ही सीक्वेंस, यहाँ नंबर दिखेगा तो देख लेना बेटा, नंबर दिखेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इनकरेक्ट होगा बेटा। क्यों इनकरेक्ट हुआ बेटा? फर्स्ट वाला क्लॉकवाइज दिख रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा सब में? क्लॉकवाइज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सबका स्पिन पैरेलल था। लेकिन थर्ड वाला देखो, जब फोर्थ गया नीचे, फिफ्थ गया ऊपर, तो भैया अच्छा नहीं लग रहा देखने में ना। पहले सीक्वेंस सबका क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, मतलब सबके सब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसलिए इनकरेक्ट है। समझ में आया ये वाला टॉपिक का पैरेलल स्पिन? ठीक है ना बच्चा लोग? तो और कोई भी पॉसिबिलिटी बनता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा पॉसिबिलिटी बनेगा वो सही होगा, बाकी फोर और फाइव वाला पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट होगा, ये हुंस रूल कहता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाने चाहिए, मतलब घर में पांच बैठे तो पांचों पांच बंदे तो सिंगल सिंगल सुलाओगे, और सुलाते समय क्या देखना है बेटा, सबका सर एक एक तरफ होना चाहिए। क्लियर है? यस सर।
तो सुलाने का जो पैटर्न है वो हॉर्न सुरुल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को कैसे सुलाया जाए, मतलब कैसे भरा जाए ऑर्बिटल में, वो बताता है हॉर्न सुरुल। तो सबको सिंगल सिंगल सुलाना है बेटा, जब तक बेड खाली है, नहीं खाली है तो भैया मजबूरी है, पैरिंग करवाएंगे ही हम, ठीक है। तो ये था हॉर्न सुरुल, कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लो फटाक से नोट कर लीजिए और आज के सेवा करते हैं समाप्त। इस संडे का टेस्ट टॉपिक मालूम है बच्चा लोग? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डीपीपी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करोगे तभी तो बहुत सारा कंक्लूजन डाउट मिलेगा बेटा। और आज को थर्सडे ना फ्राइडे, परसों डाउट समारोह का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें डीपीपी डिस्कस होगा, ठीक है बच्चा लोग। तो बाय बच्चा लोग। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा लोग।